नमस्कार दोस्तों, असली प्राचीन टोटके YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे शुक्रवार के दिन जरूर करें ये उपाय, शादी के लिए रिश्ते जल्द आएंगे। दोस्तों शुभ ग्रहों की उपस्थिति में जातक की शादी शीघ्र हो जाती है, अशुभ ग्रह के चलते शादी में देरी होती है। अगर आप ये बात समझ लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए आज ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों गुरु के मजबूत रहने से लड़कियों की शादी जल्द हो जाती है, वहीं शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी भी जल्द हो जाती है। दोस्तों सनातन धर्म में विवाह को पवित्र कर्म कांड माना गया है। ग्रहों की स्थिति अनुकूल जातक की शादी जल्द होती है। ज्योतिष की माने तो ग्रहों को शुभ और अशुभ दो वर्गों में बांटा भी गया है। शुभ ग्रहों की उपस्थिति में जातक की शादी शीघ्र हो जाती है, अशुभ ग्रहों के चलते शादी में देरी आती है। गुरु के मजबूत रहने से लड़कियों की जल्दी शादी होती है, वहीं शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी भी जल्द हो जाती है। ये मैंने आपको आज बताए हैं कि लड़की की कुंडली में किस ग्रह की वजह से शादी में देरी आती है और लड़कों की कुंडली में किस ग्रहों की वजह से देरी आती है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं ज्योतिष के अनुसार वो शुक्रवार के दिन उपाय जिसका प्रयोग करने से आप भी जल्दी शादी के बंधन में बन सकते हैं। लड़का हो या लड़की इस उपाय को जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्र मजबूत करने के लिए प्रतिदिन शिव जी की पूजा करें, साथ ही सोमवार और शुक्रवार के दिन विशेष पूजा अर्चना जरूर करें। दोस्तों शुक्रवार के दिन संयुक्त रूप से शिव जी और माता पार्वती की पूजा करने से जातक की शीघ्र शादी भी हो जाती है। वहीं शुक्र मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में आपको उठना होगा, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल से युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। इसके बाद आमचन और समय की पवित्र करें, श्वेत वस्त्र धारण कर शिव जी और माता पार्वती की विधि पूर्वक से पूजा उपासना करें। शिव जी जी जल में इतर सुगंधित सफेद फूल डालकर अर्घ दें, इससे शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। इसके लिए आप दूध का अभिषेक भी कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन गुप्त दान करने से भी जल्दी शादी के योग बनते हैं। आसपास की शादी में कन्या पक्ष को गुप्त दान जरूर करना चाहिए। वहीं दोस्तों 5 लाल पुष्प लेकर आप माता पार्वती को अगर भेंट करते हैं तो ऐसा करने से भी जल्दी शादी के योग बनते हैं। और माता पार्वती के सामने आप एक मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम सृष्टि कर्ता मम विवाहा कुरु कुरु स्वाहा। आप ये मंत्र अगर बोल देते हैं तो दोस्तों आप भी जल्दी शादी के बंधन में बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें। वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।